तो टाटा आईपीएल 2023 का 41वां महामुकाबला यानी कि मैच नंबर 41 चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा 30 अप्रैल 2023 संडे को। अब रविवार को डबल हेडर होने वाले यह दिन का पहला मैच होगा और यह मैच भारतीय समय अनुसार दिन में 3:30 बजे से यानी कि 3:30 PM से स्टार्ट होने वाला है। अब यह मुकाबला काफी शानदार काफी जबरदस्त होगा जहां आईपीएल 2023 में ये दोनों टीम पहली बार आमने सामने होंगी। जहां सीएसके हो या फिर पंजाब, ये दोनों टीम अपना आखिरी मुकाबला हार कर आ रही है तो इस मैच में शानदार वापसी करना चाहेंगी। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 32 रन के अंतर से हार कर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर है पंजाब किंग्स की टीम जो अपना लास्ट मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 56 रन के बड़े अंतर से हार कर आ रही है। अब यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड मैदान पर यानी कि चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां चेन्नई के चेपक के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने स्पिनर्स का काफी बखूबी से इस्तेमाल क्या है। ये पिच एक शानदार स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती है, स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, तो वहीं पंजाब किंग्स के बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे पिछले 2 साल से, जबकि पंजाब किंग्स की फास्ट बॉलिंग अटैक काफी स्ट्रॉन्ग काफी बैलेंस दिखाई दे रही है आईपीएल 2023 में, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फास्ट बॉलर काफी महंगे साबित हुए हैं। जी हाँ, पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन लुटवाने वाली कोई और टीम नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स की ही टीम है, जहां इनके तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले में 10.1 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं। जहां चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में अब तक आईपीएल 2023 में टोटल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 मैचेस डिफेंड हुए, 1 मुकाबला चेस हुआ है और सीएसके की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर 3 में से 2 मुकाबले जीते और 1 मैच में हार मिली है। तो इंजरी रिपोर्ट्स की बात करें तो बेन स्टोकन के जबरदस्त ऑलराउंडर और दीपक चहर बेहतरीन फास्ट बॉलर, ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। वैसे आईपीएल और क्रिकेट की तमाम खबरें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले दी जाती है, वहां पर आपको ड्रीम 11 फैंटेसी टीम भी दी जाती है, तो अभी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया है। तो बात करते हैं इस मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स दोनों टीमों के परफॉर्मेंस प्रदर्शन के बारे में। तो अब तक आईपीएल 2023 में इन दोनों टीमों ने अपने शुरुआती 8-8 मुकाबले खेल लिए, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अपने 8 में से 5 मैचों में शानदार जीत मिली है, जबकि 3 ही मुकाबला ये टीम हारी है और इस टीम के पास फिलहाल 10 अंक है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम ने भी 8 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीते, 4 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है और इस टीम के पास 2 अंक कम यानी कि 8 अंक है। तो इसी वीडियो में आगे इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की आखिर किसका पलड़ा भारी है, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है और दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 इंपैक्ट प्लेयर्स सब कुछ बताओ कंडीशन के बारे में। तो चेन्नई के चेपक के मैदान पर अब तक आईपीएल के इतिहास में टोटल 124 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 66 मैचेस जीते हैं पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, तो वहीं चेस करने वाली टीम को 56 मैचों में जीत मिली है, 2 मैचेस टाई रहे। इस मैदान का औसत स्कोर आईपीएल में 158 रन है, इस मैदान का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 246 रन जो कि सीएसके ने बनाया था, तो इस मैदान का सबसे लोवेस्ट सबसे छोटा स्कोर 70 रन है जो कि आरसीबी की टीम ऑल आउट हो गई थी। अब बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में टोटल 27 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 15 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीते, तो वहीं 12 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को जीत मिली है, तो यहां पर पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। और यह मुकाबला सीएसके के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा तो सीएसके को इससे और भी एडवांटेज मिलने वाला है, जहां पिछले जो 5 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मात्र 2 ही मैच में जीत मिली है पीबीकेएस के खिलाफ, तो वहीं पंजाब ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं सीएसके के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो एज ओपनर नंबर 1 पर डिवॉन कॉनवे, नंबर 2 पर ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों ही करने वाले ओपनिंग की बल्लेबाजी, नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर शिवम दुबे जो शानदार गजब फॉर्म में चल रहे हैं, नंबर 5 पर मोइन अली जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 8 पर मथीसा पतिराना, नंबर 9 तुषार देशपांडे, नंबर 10 पर महेश तिक्स्ताना, जबकि नंबर 11 पर आकाश सिंह। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए, जहां ये टीम अगर पहले गेंदबाजी करेगी तो इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी और बल्लेबाजी के टाइम पर अंबाती राडियो को ले आएगी एज ए इंपैक्ट प्लेयर, और ऐसे ही अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो आकाश सिंह की जगह पर अंबाती राडियो को खिलाएगी और गेंदबाजी के टाइम पर आकाश सिंह को दोबारा ले आएगी एज ए इंपैक्ट प्लेयर। अब बात करें इस मैच के लिए पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11, तो एज ओपनर नंबर 1 पर कप्तान शिखर धवन, नंबर 2 पर अथर्व ताइडे,
नंबर 3 पर सिकंदर रजा, नंबर 4 पर लियाम लिविंगस्टन, जबकि नंबर 5 पर जितेश शर्मा बेहतरीन बल्लेबाज विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 6 पर होंगे सैम करन ऑलराउंडर, नंबर 7 पर शाहरुख खान, जबकि नंबर 8 पर हरप्रीत बरार स्पिनर ऑलराउंडर, नंबर 9 पर कगिसोटो बड़ा एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, नंबर 10 पर राहुल चहर बेहतरीन स्पिनर और नंबर 11 पर आसदीप सिंह चुहा तेज गेंदबाज। तो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए, जहां ये टीम अगर पहले गेंदबाजी करेगी तो इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी और बल्लेबाजी के टाइम पर परब सिमरन सिंह को एज इंपैक्ट प्लेयर ले आएगी और ओपनिंग की बल्लेबाजी उनसे ही कर पाएगी। और ऐसे ही अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो परब सिमरन सिंह के साथ कंटिन्यू करेगी एज अ ओपनर किसी एक गेंदबाज की जगह पर और गेंदबाजी के टाइम पर उसी गेंदबाज को दोबारा ले आएगी एज अ इंपैक्ट प्लेयर। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर्स, बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, क्या करिए मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है। तो इस मुकाबले को लेकर हमारी प्रेडिक्शन ये कि ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत सकती है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। आपको अनुसार ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, कि जीतेगी सीएसके या फिर जीतेगी पंजाब किंग्स की टीम, जहां यह प्रेडिक्शन सही या फिर गलत दोनों हो सकता है। पंजाब किंग्स की टीम भी यह मुकाबला जीत सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है।